हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एंटीबायोटिक और मोड ऑफ एक्शन से जो सवाल पूछा गया है महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें मिस्टेक है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैं कि यूट्यूब पर आपको बना रहा हूँ वीडियो। और एक और क्वेश्चन था जो कैरियर प्रोटीन से संबंधित था, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है तो आपको चैलेंज करना चाहिए, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये दूसरे सवाल को जो एंटीबायोटिक और मोड ऑफ एक्शन पर बेस्ड है और एक कैरियर प्रोटीन पर बेस्ड था जिसका मैंने वीडियो बनाया है। आइए देखते हैं। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियोटिड्स इनहिबिटेड बाय, मतलब कौन सा जो एंटीबायोटिक है जो प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियोटिड को इनहिबिट करता है। अगर आप रेगुलर अगर इसकी जानकारी होगी तो बिल्कुल आप आसानी से मिल सकते हैं कि साइक्लोहेक्सामाइड जो एंटीबायोटिक है यूकेरियोटिक सिस्टम में प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। बिल्कुल ये इसका आपका सही आंसर होगा। लेकिन आंसर जो दिया गया है सेट में, आंसर सी दिया गया है। यह आंसर हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने बताया कि सर ये सी दिया हुआ है, और इसलिए आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये सही है या गलत है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सामाइड होगा। साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि और अदर एंटीबायोटिक का क्या काम है, जैसे क्लोरामपीनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेफलोस्पोरिन सी। तो क्लोरामपीनिकॉल बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बैक्टीरिया में, और सेफलोस्पोरिन जो करता है बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं, सेल वाल के डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में और इसी तरह की कोई जानकारी के लिए। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।